दिल्ली के जंतर मंतर पर रात पुलिस और पहलवानों के बीच हुई झड़प के बाद फिलहाल इस पूरे इलाके को बैरिगेटिंग लगा के चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। इस वक्त ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। टॉलस्टॉय मार्ग है जो कि दूसरा रास्ता है जंतर मंतर जाने का, इस रास्ते को चारों तरफ से बैरिगेटिंग लगा के बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ अन्य सुरक्षा बल जो हैं उनकी तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फोर्स इस वक्त यहाँ पर लगा दी गई है। आपको ये भी बता दूं कि जो पहलवान हैं, जो रेसलर्स हैं, वो तकरीबन 12 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात उनकी और पुलिस के बीच झड़प होती है, बहस बढ़ जाती है, कई लोगों को उसमें डिटेन भी किया जाता है, कुछ यहाँ पर नेता पहुँचते हैं, उनको भी यहाँ पर रोका जाता है जाने से, और उसके बाद से रात से ही यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। और सुबह की तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, किसी की भी एंट्री पॉइंट से आगे नहीं है, यानी कि जहां पर धरना दिया जा रहा है उस पॉइंट पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, ना ही मीडिया कर्मियों को। और यही हाल जो है वो चारों तरफ से इस रोड का है। फिलहाल यहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा कड़ी है। अब देखना यह है कि दिन चढ़ने के साथ साथ यहां पर और क्या कुछ होता है, क्या कुछ लोग यहां पर समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं, क्या यहां पर कुछ और नेता या कुछ चेहरे भी देखे जा सकते हैं, और क्या पहलवान खुद बाहर आके मीडिया से बात करेंगे, क्या कुछ यहां पर होगा, ये दिन चढ़ने के साथ देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल चारों तरफ से रास्ते बंद करके सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है इस पूरे इलाके में। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली।